हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, लास्ट वीक हमने चार्ट्स में और आगे पढ़ा, एंड ऑफ द ट्रेंड सीखा, कैसे सिर्फ कुछ ही लीडर पे फोकस करें और लैगर से दूर रहे, राइट। जैसे आप रोज देखते होंगे बाजार में कुछ चीजें अचानक कोई न्यूज आया, कोई चलने लगती है, पर ऐसी सब चीजों की लॉन्ग लाइफ लास्ट नहीं होती है। तो देखो, हम भी एक समय था जब ऐसी सब चीजों के पीछे रोज पढ़ा करते थे, फिर कहीं ट्रैप हो गए, फिर अपने 3-4 साल बिगाड़ेगा। ये सब करने का जरूर नहीं, आप अपनी ही चीजों पर फोकस रखें, लीडर पे ध्यान रखे, लैगर से दूर रहे। आपके ही स्टॉक, आप ही के वो स्टॉक जो रैली के बाद करेक्शन में आए हुए हैं, उनके बीओटी पे ध्यान रखें, राइट। क्योंकि ये वो जगह है जहां पे आप थोड़े एग्रेसिवली और एडिशन कर सकते हैं, राइट। बीओटी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कोई शेयर नीचे गिर रहा है तब आप अंदाजा लगाते हैं कि ये रिट्रेसमेंट लेवल पे मैं ऐड करूंगा, ये मेमा पे मैं ऐड करूंगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे वो शेयर रहेगा। पर दोस्तों, वो एक्सपेक्टेशन रुक सकता है, नहीं भी रुक सकता है, नीचे जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड फंडामेंटल्स ऑफ दैट टाइम। तो जब शेयर गिर रहा है उस समय आप कोई भी लेवल पे बाय करो, वो आपकी उम्मीद है कि इधर से घूमेगा। लेकिन जब दोस्तों बीओटी आता है तो आपकी उम्मीद पक्की हो जाती है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि रैली के बाद जब गिरावट आई तब सबसे पहले मुझे किधर बाय करना है, तो मेरे सबसे पहले इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों, राइट, रिट्रेसमेंट एंड मेमा। ये वो जगह होती है जहां पे मैं धीमे धीमे करके एसआईपी करता हूँ, इकट्ठा करता रहता हूँ, राइट। उम्मीद करता हूँ कि एक लेवल पे शेयर की गिरावट की मोमेंटम कम हो जाएगी, राइट, धीमे धीमे वहां से सपोर्ट लेने लगेगा। पर अगेन कह रहा हूं, उम्मीद है, वो उम्मीद को पक्का कौन करता है दोस्तों, बीओटी। तो बीओटी आपके लिए दोस्तों वो इंडिकेटर है जो बताता है कि यस, अब अपने को यहां पे, ये सारी जगह पे डर लगता था, पर बीओटी आता है तो बीओटी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यस, अब नीचे से बाइंग आया है और ये बाइंग कुछ समय तक टिका रह सकता है। आप ऐसे बाइंग का दोस्तों क्या टारगेट रख सकते हो जो आपने यहां पे सीखा, टारगेट ऑफ बीओटी, राइट, हाइएस्ट क्लोज। क्या था दोस्तों, हाइएस्ट क्लोज, बराबर। अब ये आप उम्मीद लेके बैठे हो कि बीओटी के बाद शेयर आपका चलेगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसे दोस्तों बहुत से लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने स्विंग ट्रेडिंग, पर उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग एकदम हाईली फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग में बदल दिया है, जहां पे वो बहुत लॉसेस करते हैं। ऐसा करने का जरूर नहीं है दोस्तों, ये चीज की बात कर रही है, ये भी ट्रेडिंग ही हुआ। आप ऐसी जगह पे थोड़े एग्रेसिव होते हो, राइट, जब आपके टारगेट्स आते हैं तब थोड़े हल्के होते हो, तो थोड़े आपके रुपए छूटे हुए ना, तो ये भी एक प्रकार का ट्रेडिंग है, ऐसे भी पैसा मिलता है ना, राइट। आप ट्रेडिंग करते नहीं हो, पर ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है जिसे कैश कर सकते हैं, राइट। यहां पे आपका बीओटी टारगेट होता है, तो दोस्तों ये हो सकता है कि आपका शेयर बीओटी तक पहुंचेंगे और उससे पहले ही घूम जाए, राइट। ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, हमने इससे पहले के एपिसोड में यहां पे कहीं सीखा था करेक्शन, कि अगर रिकवरी पूरी नहीं आती है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर रिकवरी पूरी नहीं आई तो ये जितना यहां गिरा था उतना इधर गिरेगा। तो नए लोग के लिए दोस्तों तैयार रहने, अब नए लोग के लिए तैयार रहने का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, पर प्रिपेयर रहने की तो जरूर है ना, कि भी ये नया लोन लगा सकता है, फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव तुरंत बनने की जरूरत नहीं है, राइट। इन एनी केस, आप जब ऐसे समय पे एक्यूमुलेट कर रहे हो, कभी भी दोस्तों फॉल में एक्यूमुलेट करने में आपको कभी पछतावा नहीं हो। मुझे अभी तक याद नहीं है कि जब भी हमने फॉल में लिए हुए है, हाँ वो समय थोड़ा डर रहता है, थोड़ा ऐसा लगता है ये और गिरा तो, और गिरा तो, हम लोग 2-2%, 5-5% की अपॉर्चुनिटी लेने जाते हैं, पर सही मानो 3-4 साल बाद आप भूल जाते हो कि आपने कौन से भाव पे लिए हो, क्योंकि वो रैली आ गई होती है और आपको पता ही नहीं कि आपने 200 पे लिया था, 180 पे लिया था, कि आपको पता ही नहीं 170 था और आप सोच रहे थे 150 आएगा और आपने लिया ही नहीं, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ओवरऑल फॉल में लेने वाले भाव हमेशा आपके लिए आशीर्वाद रूप साबित होंगे, राइट। पर जब आप लोग ट्रैक करते हो करेक्शन में, ये तो मेरे लिए कहना आसान है करेक्शन में बाय करने का, पर करेक्शन कितने समय के होते हैं दोस्तों, 1 साल 2 साल 3 साल, तो गिनो ना, 300 से 900 दिन तक आपकी शेयर चलते नहीं है। ये समय पे दोस्तों पेशेंस चाहिए। जब आपको अंदरूनी पता है कि यस, आपकी कंट्री का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, अभी कुछ नियर टर्म चैलेंजेस है जिसकी वजह से बाजार पे अफेक्ट है, राइट, ये जैसे ही चैलेंजेस चले जाएंगे धीमे धीमे, राइट, वापस आप बढ़िया टाइम देखोगे। आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्री की वीडियो में यही बात तो बताई, अभी 47% का ग्रोथ किधर से लाएंगे, इतना बढ़िया ग्रोथ है, हाँ, पर इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट नहीं है 47%, तो हम तैयार है ना,
कोई बात नहीं, मत चलो, बराबर कि नहीं? पर जैसे ही इन्फ्लेशन हल्का होगा आप वापस लाइफ टाइम यही देखोगे, राइट? तो ये आपको अगर पता रहे कि आप किससे क्या उम्मीद करो तो दोस्तों आसानी रहती है इन्वेस्टमेंट, राइट? तो जो अभी हम लोग सीख रहे थे, रैली के बाद ये करेक्शन आया, ये जब फॉल आ रहा है आपको पता ही नहीं है कि ये रिकवरी कितनी आएगी, आप उम्मीद करते हो यहां तक, ये आपका टारगेट होता है, राइट? पर आपको पता नहीं है। लेकिन आपके लिए सबसे देखो, पहली अपॉर्चुनिटी फॉल में बाय करने की थी, दूसरी जो आपको मिली वो पीओटी पे बाय करने की मिली। यहां से शेयर चलता है, थोड़े ट्रेडर रिमोर्स विमोर्स आते हैं, कोई सीधी रेखा में नहीं चलेगा, टूटते टूटते ही चलेगा, राइट? पर ये अगर आपका 100% रिट्रेसमेंट की ओर आ गया तो दैट्स गुड, आपका ये टारगेट आया है, पार्ट का बुकिंग कर सकते हो। प्लान द गेम इन एडवांस एंड प्ले एज पर प्लान। जब आपने इधर लिया हुआ है माल नीचे से और आपको पता है ओके ये ऊपर आएगा, मेरे को खुशी होगी, 5% मैं बुक करूंगा, तो कर सकते हो। फिर इधर मैं और लालच में आ जाऊं, नहीं अभी तो ये और चलेगा, चलने वाला तो ये है ही, पर हमने और ज्यादा माल इकट्ठा ही नीचे इसलिए किया था इधर हम कुछ कर सके बुकिंग, राइट? तो आप कर सकते हो। यहां से जब नीचे आता है, राइट, और आपने अगर 5% बुकिंग किया होता है तो खुशी होती है, चलो जो 5% प्रॉफिट बुकिंग किया था, नीचे जब जब आएगा अगर आपके पास कैश होगी तभी तो खुशी होगी, नहीं तो बाजार नीचे आता जा रहा है, मैं तो पॉजिटिव हूं, चलो बाजार चलेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल नहीं चला कोई बात नहीं, बाजार को तो चलना ही है। पर ये पॉजिटिविटी भी टिकेगी कैसे? जब आप गिरे हुए बाजार में माल लेते हो ना, तो और पॉजिटिविटी आती है, बिलीव मी, एक्सपीरियंस करके देखना, वो मिठाई खाने जैसी अनुभव होगा जब गिरता है और आप माल लेते हो, राइट? तो थोड़ा 5% बुकिंग किया, आपके पास कैश है, नीचे आ रहा है, खुश हो रहे हो नीचे आ रहा है, राइट? और नीचे नहीं भी आया, मान लो इधर से इसने पलटी लगा के चलने लगा, तो भी तो खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? आपने कितना प्रॉफिट बुकिंग किया है? 5%, 95% माल तो पड़ा हुआ है ना, तो अच्छी बात है ना, चले चलता है तो भी खुशी की बात है, 95% शेयर हमारे हैं, टूटता है तो भी खुशी की बात है, क्योंकि मेरे पास कुछ कैश है, मैं और सस्ता लेके एवरेज करूंगा, राइट? तो अगर दोनों तरफ की खुशी चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं जो मैंने बताया, 5% बुकिंग, राइट? ये आपको दूसरा बीओटी का मौका मिलता है दोस्तों, जब गिर के वापस चलता है, राइट? जनरली हम उम्मीद करते हैं डब्ल्यू तो बनेगा, मतलब इतना समय तो शेयर आपके करेक्शन में रहने चाहिए, राइट? पर जब पूरा रिकवर होके गिरता है ना, तो टेंशन नहीं लेने, क्यों? क्योंकि अब ये फॉल यहां तक ही आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं। आपको ध्यान होगा हमने पिछली बार बताया था 15182 का हमारा निफ्टी का टारगेट था कि भी इतना बाजार गिरेगा, वो ऐसे ही तो गिना था, राइट? अभी आप देखो एग्जिट वहीं से घूमा, राइट? तो ये बड़े निवेशक भी वही देखते हैं कि नहीं देखते? हमने यहां से गिन लिया था, पहले इतना बाजार गिरा, अब चल रहा है ये गिरेगा तो इतना ही गिरेगा जितना इधर गिरा था, सेम कैलकुलेशन। ये दोस्तों ज्यादातर बार आप सही पढ़ते हो इसके अंदर, राइट? तो आप फॉल में इसके कारण ले पाते हो माल, चिंता नहीं रहती और कितना नीचे जाएगा। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेयर यू बाय ड्यूरिंग फॉल, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड अपॉर्चुनिटी यू कैश ऑल द बीओटीज, ऑल मतलब कितने बीओटी आएंगे, 1 और 2, राइट? ये भी हो सकता है कि शेयर आपका ऐसा गिरे, चला टूटा, इतना चला खाली, पूरी रिकवरी नहीं आई, वापस टूटा, राइट? तो ए बी सी बराबर, तो भी कोई बात नहीं ना, इधर भी आपने लिया, दिस वाज योर फर्स्ट पीओटी, इधर लिया, दिस वाज योर सेकंड पीओटी। याद रखना मेरा अनुभव कहता है जब आपने इधर लिया और इधर टूट के आया है ना, बहुत लोग पछताते हैं, अरे यार काम है तो फंस गया, कोई चिंता नहीं कि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी बाजार करेक्शन में होता है, एक बार इसको चलने तो दो, आपको पता नहीं रहेगा आपने इधर लिया था, इधर लिया था, किधर लिया था, ये तो आज की बात है, 3 साल जाने दो, ये सब भाव भूल जाओगे और आप खुद इधर लेने को आओगे ब्रेकआउट देने के बाद, राइट? सो नो नीड टू वरी एट ऑल। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज व्हाट, व्हेन यू बाय ड्यूरिंग फॉल एट रिट्रेसमेंट्स एंड मे मास। सेकंड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग फॉल इज व्हेन पीओटी इज क्रिएटेड, व्हेन पीओटी इज क्रिएटेड योर टारगेट इज हाईएस्ट क्लोज, राइट? वंस योर करेक्शन मोड इज कंप्लीटेड, जैसे ही बाजार ब्रेकआउट देता है दोस्तों, ये ब्रेकआउट जैसे ही देता है आपको अपना पहला टारगेट गिन लेने का। अब टारगेट की बारी आएगी, देखो अभी तक ये छोटा सा टारगेट था आपका, छोटा मतलब करीबन बहुत से शेयरों में ये डबल होता है, फिर भी मैं कहता हूं चलो एक छोटा सा 5% प्रॉफिट बुकिंग करने का टारगेट था। ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली ये गिन लेने का, जो फॉल था उसका एक्सटेंशन जो हमने यहां पर सीखा, इधर गया इस बार, ये एक्सटेंशन के टारगेट दोस्तों करीबन 2 गुना 3 गुना जितने होंगे, राइट? तो अभी इतना तो पक्का हो गया, ये 100 से गाड़ी निकली है 200 300 तक तो जाने वाली है, तो इधर 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 छेड़छेड़ नहीं करने का,
देखो बाइंग के समय में आपको कहता हूं फॉल में बाय करो, पर जब रैली आती है इसका मतलब ये नहीं है कि रोज माल बेचो, बिल्कुल नहीं, टारगेट पे ही माल बेचो, राइट। और ये कट टू कट रहेंगे, कट टू कट। यहां से जब आपने सोचा कि 210 रुपए का आपका टारगेट है तो इसको आने दो 210, तब तक हैरान नहीं करने का, राइट। एक्सटेंशन के जो टारगेट है वो आपके ये करेक्शन पे डिपेंड है, कितने समय करेक्शन रहा, राइट। उसका 1 to 1.5 टाइम्स समय लगता है जनरली, इतने समय में आपके एक्सटेंशन के टारगेट आते हैं पर वो दूर होते हैं, राइट। जैसे दिस वॉज करेक्शन, अब आया एक्सटेंशन, तो ये जो दूर होते हैं टारगेट, अब ये तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, पर इसको अगर जूम करके देखें तो कभी ऐसा नहीं चलने वाला। ब्रेकआउट देने के बाद भी शेयर कैसा चलेगा, ये चलेगा, ये थोड़ा इधर रुकेगा, वापस चलेगा, रुकेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज इधर अपना टारगेट सेट कर लेना, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डू, राइट। सेट द टारगेट ऑफ एक्सटेंशन, आपको लॉन्ग टारगेट पता चलने चाहिए, 3-1 साल में शेयर दौड़ के कितना जाने वाला है, ताकि ब्रेकआउट के बाद आपको वैकेशन पे चला जाना हो आप जा सके शांति से, टारगेट जब आएंगे तब कुछ करना हो तो करने का, प्रॉफिट बुकिंग, राइट। ये समय चैलेंजिंग था, ये समय चैलेंजिंग नहीं है, ये मजे के समय है, राइट। तो पहला आपका एक्सटेंशन का टारगेट हुआ, ये 3-1 साल के होते हैं, राइट। उसके अलावा आपको दूसरे नियर टर्म टारगेट भी मिलेंगे, राइट। जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे कोई बुलिश एंगल भी बनेगी, ये बड़ा बाइंग इंडिकेट करता है। हमने पहले भी बात की थी दोस्तों इस चीज पे कि बड़े बाइंग किधर देखने को मिलते हैं, यस, बड़े बाइंग किधर देखने को मिलते हैं, बड़े बाइंग नीचे देखने को मिलते हैं, लोअर लेवल। तो आपको आपके शेयर में इधर जब ये करेक्शन में था, इधर भी बड़ी बुलिश एंगल थिंग आनी है लोअर लेवल, तो आपके शेयर को तोड़ाने वाले, पर जैसे नीचे बड़े बाइंग आए वैसे ब्रेकआउट पे भी दोस्तों बड़े बाइंग आते हैं, जो आपके शेयर को एक दिशा देते हैं नियर टर्म की, आपको 1-2 साल के टारगेट मिलते हैं, राइट। ये जो बुलिश एंगल थिंग बनती है दोस्तों, मेरा ये अनुभव है, इसके टारगेट करीबन अंदाजे से 80% के होते, अंदाजा कह रहा हूं, किसी में 125% होते हैं, किसी में 50% होते हैं, बट डिपेंड 80% तो दोस्तों आपको ये बुलिश एंगल थिंग टारगेट देती है, और इसकी अवधि होती है 1 से 2 साल, 1 to 2 ईयर में ये बुलिश एंगल थिंग के टारगेट आते हैं। तो अभी से तैयारी रखने का, लोग अभी बहुत एक्टिव होते हैं ये ट्रेडिंग करने में, ये ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं, ये टाइम है माल इकट्ठा करने का, अरे लेके बैठो ताकि जैसे बाजार चले उस समय लेना ना पड़े कुछ। पर आप अगर इधर एक्टिव हो माल लेने में और बेकार में ट्रेडिंग के पीछे पैसे नहीं बिगाड़ोगे तो ज्यादा पैसे बचेंगे, वो पैसे को आप यूज कर सकते हो इस प्रकार की बुलिश एंगल थिंग जो बनेगी उनके 80% के टारगेट्स, राइट। आपका पहला मौका मैं याद करा दूं कौन सा था लेने का, फॉल में। दूसरा दोस्तों मौका कौन सा था, पीओटी में, जब हमने स्पेशली मैं याद कराऊं मीटिंग रखी थी 15182 पे एडवांस में, इधर से बाजार चल के आता है 18,000 तो मजा आनी चाहिए, राइट। उसी प्रकार से दोस्तों अभी ईयर एंड पे मैंने इसलिए मीटिंग रखी है, राइट, जस्ट अभी हमने अनाउंस किया, आप लोगों के लिए वैसे ये नहीं है पर आपके लिए भी ऐसी मीटिंग रहेगी। अभी मैं चाहता हूं आप अपनी चीज पे फोकस रखें जो सीख रहे हो, राइट। पर पुराने जो लोग हैं उनको मैं याद कराना चाहता हूं कि क्वार्टरली हाई तोड़ दिया है बाजार ने, राइट, अब अपने को कुछ और तैयारी करनी चाहिए, करेक्ट। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे इन चीजों पे कि अब चलो ढूंढो 1.5-2 साल में कौन सा शेयर कितना दौड़ने वाला है, अब शेयर दौड़ेंगे। ये जो शेयर बाजार में बोलते हैं कि अपने को बढ़िया रिटर्न मिलते हो, बढ़िया रिटर्न लोग सोचते ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आते, वो बढ़िया रिटर्न आते तो ऐसे ही है, लंबा समय आराम फिर रैली, फिर लंबा समय आराम फिर रैली। तो ये जब रैली आती तो भयानक आती, और यही रैली सबको बिगाड़ती, ये रैली में लोग भूल जाते हैं कि करेक्शन नाम की एक चीज होती है जो वापस आने वाली है और आती है, राइट। जब आप ये दोनों चीजों के लिए तैयार रहते हो ना, तब वेल्थ आपके पास होती है, राइट। सो दिस इज द वे वी नीड टू प्रोसीड इन ईच एंड एवरी स्टॉक, राइट। मैं वापस आप लोगों से पूछूंगा दोस्तों, मेरे को बताइएगा इस बार, यस, किधर लिखू मैं, अच्छी ब्लैंक, ओके। मेरा शेयर रैली करता जा रहा है, रैली करता जा रहा है, वैसे आप लोगों ने अभी वो रैली देखी नहीं होगी क्योंकि पिछले 1.5 साल से रैली नहीं है, पर फिर भी आप देखने वाले, जब आप रैली देखोगे तब आपको किस चीज की तैयारी रखनी है, यस प्लीज चैट बॉक्स इज ओपन। जब आप रैली देखोगे तो रैली के साथ साथ माइंड में किस चीज का प्लानिंग रखना है, कैश इकट्ठा करता रहना है कि नहीं करना है, राइट। तो 1.5 साल की रैली मंदी थी, करेक्शन था, तो 1.5 साल की रैली भी देखेंगे, तो ये पूरी रैली का पहला फायदा उठाओ, हर एक जगह पे माल बेच बेच मत करो, राइट, रैली का फायदा उठाओ। और तैयारी किसकी रखो दोस्तों, करेक्शन, किसकी, करेक्शन, करेक्शन आता है, फॉल में नहीं पता चलेगा, लेकिन यह बात है जितना भयंकर पहला फॉल उतना लंबा करेक्शन,
बराबर है। ये फॉल आता है, रिकवरी से पता चलेगा दूसरा फॉल कितना है, क्लियर ना। अगर रिकवरी आधी फॉल डेप्थ, अगर रिकवरी पूरी फॉल लिमिटेड। इन एनी केस वी आर सपोज टू बाय, ट्रैक ऑल बीओटीज, ट्रैक लाइफ टाइम हाई क्लोज, दीज आर योर सम टारगेट्स, ट्रैक ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद शेयर दूसरी दुनिया में आने वाला है, दौड़ने वाले। आफ्टर ब्रेकआउट कुछ रैली आएगी, थोड़ा आराम आराम करेगा, जहां पे आपको बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट और एक्सटेंशन के टारगेट ढूंढने। एक्सटेंशन के टारगेट आपको थोड़े लॉन्ग टारगेट्स देंगे, बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट आपको एक दो साल में 80% जितना कमाने की अपॉर्चुनिटी देंगे। ये प्लानिंग हर बार एकदम सिंपल सी स्टेप टू स्टेप पॉइंट है, कुछ और इतनी बड़ी कोई खास चीज यहाँ पे नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे आप ही के शहर में आऊंगा, फटाफट अपन करते हैं, राइट। शहर देखो, इससे पहले क्या देखने का, सबसे पहले एवरीबॉडी यार मेरे को क्या ट्रैक करता रहना चाहिए, नहीं तो नहीं पता चलेगा, शहर कंफ्यूज करेंगे। पहले क्या देखने का, बिफोर वॉचिंग टू एनी शेयर, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, कभी भूलने का, गलती से भी शेयर नहीं देखने का। शेयर देखोगे कंफ्यूज हो जाओ, समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है, राइट। शेयर देखने से पहले इंडेक्स, और जब इंडेक्स देखो तो पहले आपकी उंगलियां घूमनी चाहिए किस पे, डाउट डाउट डाउट, स्ट्रेस, लीडर है ना दोस्तों, तो डाउट फटाफट देख लो। मंथली मैंने देखा, राइट, डाउट में मेरे को बता सकते हो बीओटी किधर है, एनीबॉडी, यस प्लीज, कब बीओटी आई, कितने महीने पहले डाउट, प्रॉपर बीओटी इन डाउट, वी सॉ इन विच मंथ, क्या हम इसे बीओटी कह सकते हैं। डाउ ने आपको 50 मेमा पे लेने का मौका दिया, यस, और ये 50 मेमा से एक बाउंस बैक आया, राइट। मेरे को बताओ अभी आपका टारगेट क्या रहना चाहिए डाउ का, हाईएस्ट क्लोज पे लाइन ड्रॉ करूं क्या, ये आपका टारगेट है, राइट। अब मान लो ये तो आप टारगेट लेके सकते हो, आपकी उम्मीद है, भूलना नहीं उम्मीद है, ये उम्मीद किस पे टिकी है, आने वाली जीडीपी और इन्फ्लेशन के डेटा पे। इन्फ्लेशन हर बार काम नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादातर समय इन्फ्लेशन शांत रहेगा, पर जब ये इन्फ्लेशन नाम का सांप आया हो तब तो इस पे ध्यान रखना ही पड़ता है, और अभी इन्फ्लेशन पे ध्यान रखने वाला टाइम, राइट। तो यस, ये गाइड करेंगे, उम्मीद है पूरी रिकवर हो तो हम इसे 100% रिकवरी कहेंगे, अगर डाउ इधर से घूम गया तो कितना टूटेगा, और फिर तो 100 में आना है, सही बात है कि नहीं। देखो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहने का ना, कौन से केस में आ सकता है, अगर जीडीपी का जो ग्रोथ अभी है उससे और बिगड़ता है, अभी सुधार के आया कि नहीं डाउ का भी जीडीपी, राइट, इन्फ्लेशन और बिगड़ता है, कि जो इन्फ्लेशन के हाल है उसके हिसाब से टूटे हुए तो है ना, हमें अब और नीचे जाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा, और इन्फ्लेशन के आंकड़े बेकार आएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने थे वो बढ़ाए उन्होंने, राइट, पर वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कौन करेगा, इन्फ्लेशन और जीडीपी। तो अगर कल कोई भी केस में जीडीपी और इन्फ्लेशन अभी है उससे पूरे आते, तभी आप नया लो 100 मेमा ओपिक करो, नहीं तो ये रिकवरी दिया है, ये थोड़ा बहुत ट्रेडर रिमोट से इधर से चल के 100% रिटर्न, तो ये हुआ आपका पूरा डाउ का करेक्शन, बराबर। डाउ किधर है अभी, लाइफ टाइम हाई के नजदीक बिल्कुल नहीं है, थोड़ा दूर हम मानेंगे, राइट, इसको नास्डेक से ट्रैक करो अभी। चलो अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बताना नास्डेक कंपोजिट, लेट मी चेक हियर, अमर लोखंडे जी, या अनम्यूट कर सकते हो सर अपने आपको, या अमर भाई, यस यस सर, ओके, और सचिन है आपके साथ, हाँ सर है, ओके ग्रेट, तो थोड़ा गाइड करना सचिन भाई। देखो मेरा प्रश्न यह है कि डाउ अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नास्डेक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी तो डाउ जोन्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। डाउ 50 मेमा पे रुक गया और 50 मेमा से उसमें रिकवरी आई, राइट, नास्डेक रुका और उसका फॉल तो कंटिन्यू रहा। डाउ अभी इधर किधर चल रहा है, रिट्रेस हो चुका है काफी, पर नास्डेक तो वो अपने पुराने लो पे आ गया है ना, तो अंडर परफॉर्मर कौन है, डाउ की नास्डेक, नास्डेक, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है। नास्डेक अंडर परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब समझ लो टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, टेक्स, क्योंकि नास्डेक उनका इंडेक्स है टेक्नोलॉजी की कंपनियों का, और डाउ अगर टेक्नोलॉजी को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब समझ दो जो दूसरी जो इंडेक्स है यूएस के टेक्नोलॉजी के अलावा के, वो अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब जो ज्यादा टूटा वो कम चलेगा लेट चलेगा, ये हम कहते हैं जनरल, आपने सुना होगा डायलॉग, यस सर, जो कम टूटेगा वो पहले चलेगा, ज्यादा चलेगा लंबा चलेगा, सेम चीज यहाँ पे, नास्डेक 38% का टूटा, 38%
इसीलिए वो लेट चलने का कर रहा है। डाउ जोन्स पहुंच गया यहाँ और नास्डेक अभी तो जगह ढूंढ रहा है चलने, राइट। तो सबसे पहले टारगेट किसके आएंगे आपके, डाउ के आएंगे कि नास्डेक के आएंगे? टारगेट डाउ जोन्स के आएंगे पहले, डाउ जोन्स के आएंगे। पर आपको पता है शेयर बाजार में ज्यादातर लोग क्या खरीदेंगे? नास्डेक खरीदेंगे, क्योंकि उनको किसी ने ये सिखाया हुआ है जो बहुत टूटता है ना उसी को लेने का, वो बहुत चलेगा। हमारे समय क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत कहानी सुनते थे, ये नहीं टूटा है ना अभी वो टूटेगा, वो ज्यादा टूटा है ना ये रिकवर होगा, मतलब उनको यही लगता है कि जो टूटा है उसको रिकवर होना है, और जो जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है जो नहीं टूटा है वो अब टूटेगा, मतलब हर एक को टूटना है, राइट। गलत इंटरप्रिटेशन है। सही इंटरप्रिटेशन क्या है? जो ज्यादा टूटा है उसको कम चलना है। तो पहले डाउ जोन्स के टारगेट आएंगे और उसके बाद डाउ जोन्स अगर ब्रेकआउट देगा, समझ रहे हो ब्रेकआउट मतलब क्या, लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगा डाउ जोन्स अगर, तो एक ही केस में लाइफ टाइम हाई पे जा सकता है अगर जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों के डेटा बिल्कुल वापस से स्ट्रांग आते हैं। अभी अभी बिल्कुल बुरे हैं, अभी बिल्कुल कोई निशानी नहीं है उनके ब्रेकआउट देने की, राइट। लेकिन अगर डाउ जोन्स ब्रेकआउट देगा तभी आप उम्मीद करोगे नास्डेक पुराने लेवल पे आए टारगेट, तो अभी आउट परफॉर्मेंस आपको कुछ समय तक देखना है। पहले टारगेट डाउ के आएंगे, पहले ब्रेकआउट डाउ देगा, नास्डेक बाद में चलेगा, बाद में लाइफ टाइम हाई पे आए। क्लियर सर इतनी चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अभी इसी को आप निफ्टी से ट्रैक करो। हमने जब से उसने पीओटी दिया था सर, निफ्टी ने ये पीओटी जब दिया तभी से हमने कहा कि भाई अभी ये डाउट चले नहीं चले निफ्टी अपना ब्रेकआउट देगा। ये हमने कौन से बेस पे कहा था? क्योंकि डाउ 50 मेमा आया था। अपना निफ्टी आया सर 50 मेमा? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब ये कि निफ्टी कम टूटा था, राइट। यस, निफ्टी ऑलमोस्ट 18% टूटा था, डाउ जोन से कम टूटा था, इसीलिए हमने पहले पीओटी दिया। पीओटी के बाद ये अपना जो टारगेट था वो क्लियर हो गया और अभी वो ब्रेकआउट के लेवल पे है, अभी वो ब्रेकआउट वाली जगह पे है, इधर से चलेगा तो जबरदस्त चलेगा, राइट। पर ये तीनों इंडेक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, डाउ, नास्डेक एंड निफ्टी, चलना तीनों को है, टूटना तीनों को है। आपने ट्रैक किया ये? जब एक टूटता है तीनों टूटते हैं कि हम सब कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, अगर चलेगा तो सब चलेगा, टूटेगा तो सब टूटेगा, लेकिन ज्यादा कौन चलेगा? जो कम टूटा है, पहले चला है, वो लंबा चलेगा, ज्यादा चलेगा। जो ज्यादा टूटा है वो लेट चलेगा, कम चलेगा। तो तीनों में ज्यादा क्या टूटा है सर? नास्डेक। नास्डेक, तो नास्डेक सबसे आखिर में इनके टारगेट आएंगे। जब तक नास्डेक लाइफ टाइम हाई पे आएगा तब तक अपना जो निफ्टी है वो ब्रेकआउट दे के इधर किधर पहुंच गया होगा, 19600 का लेवल पार हो गया होगा, राइट सर? यस सर, ऐसे इसको इंटरप्रेट करने का। ये ब्रेकआउट देता है तो अगेन आपके दूसरे टारगेट रेडी हो जाएंगे, आपके एक्सटेंशन के टारगेट आ जाएंगे, आएंगे ना सर? यस सर, राइट। आपके बुलिश एंगल्फिंग अगर बनती है इधर किधर, हो सकता है जनवरी में ऐसे कोई बनती है तो वो बुलिश एंगल्फिंग आपको आने वाले एक दो साल के टारगेट देगी। तो ये टारगेट की बात तब करने की जब ये सब हो जाए। अगर हमें ये टारगेट का फायदा उठाना है, हमें एक्सटेंशन पे लाना है निफ्टी को टारगेट आने में, तो ये सब मजा लेने के लिए हमको करेक्शन में सर लेना पड़ेगा कि नहीं स्टॉक? तो ये पूरे 12 महीने इसी चीज के हैं इकट्ठा करने। अगर हम ये समय पे समझ के इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी शेयर। पर जो लोग करेक्शन में नहीं लेंगे उनको इधर फिर माल लेने आना पड़ेगा। वो 20,000 पे लेंगे, 19600 पे जब आप बेचोगे 5% प्रॉफिट बुक करोगे तब वो लोग ले रहे हो, बराबर की नहीं सर? हमने यहाँ भी यही बात की थी, वेस्ट टाइम है लेने का, नहीं तो फिर आपको ब्रेकआउट पे लेना पड़ेगा। देखो ब्रेकआउट पे भी लोगों को लेना पड़ रहा है, राइट सर? तो ये बिहेवियर है, पैटर्न है, हर बार की, हर इंडेक्स की, हर स्टॉक की, इसको नहीं भूलने का। डन सर? यस सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं यहाँ पे एफएल को ओपन करने वाला हूँ, पर जब मैं एफएल को, हाँ कहिए सर, कहिए। एक क्वेश्चन था सर, जैसे अभी आपने बताया कि 5% जो प्रॉफिट बुकिंग करनी है हमको, जैसे अभी ये अमर राजा बैटरी का स्टॉक है उसने अमरा राजा, तो उसमें अभी ये 52 वीक हाई जो अभी 666 का जो था अभी उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, बट उसने बेंड ऑफ द ट्रेंड मिलने के बाद यहाँ पर अभी उसका थोड़ा प्रॉफिट बुक होना चाहिए कि हमको इसका लाइफ टाइम हाई के, लाइफ टाइम हाई देखने का ही, 52 वीक हाई मतलब देखने का ही। अच्छा, राइट, क्योंकि देखो 52 वीक हाई मतलब वो तो इस साल का हाई, 12 महीने उसका कोई लेना देना ही नहीं। ओके, राइट, वो ट्रेडर लोग यूज करते हैं, चलो 52 वीक आया थोड़ा बुक करो। 52 वीक हाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एक साल के हाई पे क्या बुक करेंगे? कुछ नहीं मिलेगा सर, राइट, बराबर। तो इसको अगर आप अमरा राजा बैटरी को ट्रैक करना चाहते हो तो आप कौन सा इंडेक्स देखना चाहिए? ऑटो, तो मैं पहले यहाँ पे ऑटो इंडेक्स करता हूँ। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एवरीबॉडी फोकस।
तो दिस इज निफ्टी ऑटो राइट। ये कितने समय से सर करेक्शन में था? सर ये काफी समय से करेक्शन में था राइट, 2017 से। और ये इंडिया का ऑटो है, आप वर्ल्ड का ऑटो देखो, यही हाल है। फोर्ड होना, जनरल मोटर होना, टोयोटा होना, सब कंपनियां पूरी ऑटो दुनिया भर में करेक्शन पे थी। हम 2018 से आए, वो लोग 2017 से करेक्शन मोड में आ गए थे राइट। मतलब वर्ल्ड से और बुरे हाल थे। अब ये जो ऑटो है आपका, ये अधूरा चार्ट है क्या? 2012 में ऑटो पैदा हुआ सर? नहीं, और उस समय इंडेक्स नहीं था राइट। तो ये इंडेक्स जब इन्होंने बनाया, उसके बाद के डेटा है आपके पास कितने राइट, क्योंकि ऑटो की कंपनी आपकी काफी पुरानी है, 2000 के मतलब 20-25 साल पहले की सब कंपनियां है। तो ये अधूरा चार्ट देख के हम इसको ये नहीं कहेंगे कि भाई कितना चला है क्या है, पर जब से डेटा है हम इतना जानते हैं 2017 से भयंकर गिरावट आई आई सर। ये कितना टूटा? ना 50 पे रुका, ना 100 पे रुका। ऐसा क्यों हुआ सर ऑटो में? ये तो फिर गड़बड़ हो गई, 50 पे भी नहीं रुका ना सर। हाँ सर, इसमें ग्रोथ ही नहीं, मतलब ग्रोथ ही नहीं थी, सेल्स ग्रोथ ही नहीं था। दूसरी कंपनियां छोड़ो, OEM जो है बड़े बड़े ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, हीरो हो जाए, हो गया, बजाज हो गया, मारुति हो गई, टाटा मोटर हो गया, वर्ल्ड की कंपनियां होगी, जनरल मोटर हुई, फोर्ड हुई, कोई कंपनी के ग्रोथ नहीं थी राइट। पूरी दुनिया की कंपनियों के सेल्स डीग्रोथ थे। तो जब सेल्स डीग्रोथ होते हैं, वो सबसे डेंजरस चीज है। हमने सीखा था सर पहले फंडामेंटल में, यस, कि कॉशियस कब होने का सेल्स टूटे तो, क्योंकि सेल्स टूटेंगे वो चलेंगे कब पता नहीं, अपने को डिमांड कब आएगी। प्रॉफिट टूटे तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, वो लिमिटेड टूटते राइट। अपने इंडिया का अभी इन्फ्लेशन बढ़ा, कितना करेक्शन आया, नॉर्मल 50 में भी नहीं आया क्योंकि अपने सेल्स टूटे नहीं है, इंडिया के सेल्स बढ़िया है, प्रॉफिट टूटे अपने खाली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटो के सेल्स पूरे पूरे हुए, जिसके कारण ज्यादातर कंपनियां लॉस मेकिंग हो गई, और आपने ना 50 पे सपोर्ट देखा ना 100 पे सपोर्ट देखा। तो हर टेक्निकल को किसके साथ देखने का सर? फंडामेंटल्स के साथ। सारे टेक्निकल का बेस फंडामेंटल में ही है। मैं कहूं नहीं, मैं फंडामेंटल नहीं सीखूंगा, मैं तो खाली चार्ट देखूंगा, तो नहीं चलेगा। भविष्य तो कौन बताएगा, फंडामेंटल ही बताएगा। ये सौदे पढ़ने के बाद के चित्र है, हमें सौदे पढ़ने से पहले पता रहना चाहिए क्या होने वाला राइट सर। यस सर। यहाँ पे पहला BOT ये फॉल में आपको कहाँ देखने को मिला सर? वो 500 के करीब कुछ मिला इधर है 12 या एक BOT इधर आया राइट। एक शुरुआत में 3-1 महीने में आ गया फेलियर BOT। आप कितना ही देखो धंधा बढ़ेगा नहीं, उसको कोई बचा नहीं सकता है राइट। दिस वॉज सेकंड फेलियर BOT और ये था आपका थर्ड BOT राइट। जनरली जनरल केस में आप हमेशा 2 BOT देखोगे, चलने के बाद एक बार टूटा, फिर BOT आया चला, फिर दूसरा BOT भी देखोगे। पर ये केस में कितने BOT देखे आपने सर? 3। इतना बुरा हाल था राइट। अब जब आपने BOT देखा, ये BOT के बाद जब रिकवरी आ रही, तो आप अगर यहाँ पे 52 वीक हाई देखते जाएंगे तो किधर किधर माल बेचेंगे अपन, बेचेंगे कि नहीं राइट। पर अपना एक ही टारगेट है सर, ये वाला राइट सर। अगर सेल्स बढ़ते हैं राइट, सेल्स बढ़ते हैं तो इसको ब्रेकआउट देना है। और हमने देखा 2017 के बाद इस बार पहली बार, ये फर्स्ट ईयर है सर, जब कुछ सेक्टर ने वापस से लाइफ टाइम हाई सेल्स बनाए, जैसे पैसेंजर कार राइट, उन्होंने लाइफ टाइम हाई सेल्स बना दी, तो ऑटो वापस से अपने पुराने जो धंधे थे वहां पे पहुंच रहा है। पुराने धंधे होंगे, क्वालिटी कंपनियों के नए प्रॉफिट होंगे, तो ब्रेकआउट तो देना है। पर आपके ऑटो ने पहले टारगेट आया, इधर थोड़ा समय इसने आराम किया या सर? यस। और फिर उसने दे दिया अभी ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट देने के बाद अभी क्या करना है सर? ग्रेडर रिमोर्स बोल सकते हैं इसको? हाँ है ना, ग्रेडर रिमोर्स। या अभी ये जैसे ब्रेकआउट दिया, हमारे दिमाग में ये टारगेट आ जाना चाहिए। ऑटो का अपना टारगेट कितना है? 36,847। कितना टारगेट सर? 36,847। अब मेरा टारगेट है ऑटो का 36,847 का, पर ये कितने समय में आएगा? याद रखिएगा, इसने जो आराम है ना वो लंबा किया है, 2018 से 2022 यानी 4 साल सर। ओके। तो मतलब इसको करीबन 4 से 6 साल लगेंगे उतना टारगेट पे आने। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत दौड़ने वाला है, पर आने वाले 4 to 6 ईयर का ऑटो का टारगेट अब रख सकते हैं। क्लियर सर? यस। तो एक कहानी क्लियर हुई होगी, ऑटो बुरा था 5 साल, अब सुधरा है, तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी। अब इसकी इफेक्ट आपको कितना दिखाई देगी सर ऑटो की इंडेक्स की, ऑटो की कंपनी कंपनी में राइट। तो पहले कंपनी नहीं देखने की, पहले क्या देखने का? सेक्टर। क्या पहले हमने निफ्टी देखा, फिर उसके वो पर्टिकुलर कंपनी का इंडेक्स देखा राइट। और अब हम कंपनी पे जा रहे हैं, अब चलो आ जाते हैं अपन अमरा राजा पे। तो नाउ हियर इज अमरा राजा बैटरी। अगर आपके
ऑटो ने लंबा करेक्शन दिया तो क्या अमरा राजा बैटरी ने भी दिया कि नहीं दिया एक लंबा करेक्शन? हाँ दिया। राइट, तो अगर हम खाली कंपनी देखेंगे, अरे यार अमरा राजा बुरी कंपनी है, बेकार है, कितना लंबा नहीं चला, अरे उसका पापा नहीं चला, दिया किधर से चलेगा? जो इसका मेन सेक्टर है ऑटो, वही करेक्शन में है, आप कैसे उम्मीद रख सकते हो अमरा राजा बैटरी से अच्छी? राइट सर, राइट। तो जब सेक्टर करेक्शन में था, आपका स्टॉक करेक्शन में था, तो आपके सेक्टर ने बीओटी दिया इधर, उस समय आमरा ने भी बीओटी दिया था, दिया था सर? यस यस। आमरा किधर तक रिकवर हुआ था सर? इधर तक। ये कौन सी लाइन है पता है? अब देख लो, परफेक्ट 1000 हाईएस्ट क्लोज, राइट। अब ये जहां तक चल के वापस से नीचे आ गए, ज्यादा टूटा आपका ऑटो। अगर आपको भी याद है तो हमने अभी देखा था कि वो इधर 7-8 महीना इधर 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 घूमता रहा, वो टूटा नहीं था पर वो चल भी नहीं रहा था। हाँ। राइट, तो वो आराम कर रहा था और ये स्टॉक क्या कर रहा था? टूट रहा था। राइट, इसको सपोर्ट किधर मिला? वही 200 बीमा और आपके पुराने लेवल थे। अगेन, क्या ये इसकी पहली बीओटी है क्या? राइट, और अगेन इसमें बीओटी थी, तो ये बीओटी का सर अपन टारगेट यही रखेंगे जो अपन ने पहले रखा था। राइट, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक ऑटो बिगड़ा हुआ था, अब जब इसके पेरेंट ऑटो में सुधार है तो सारी कंपनियों में आप सुधार देखो। राइट, अमरा राजा बैटरी का मैं टारगेट करीबन, मैंने लाइन इधर इसलिए ड्रॉ की हुई है, ये क्लोजिंग मैंने देखा है, पर मैं इतना तो इसको उम्मीद करूंगा सर, 1000 रुपया इसको अपन उम्मीद करेंगे। और कितना समय लग सकता है बताए? इसकी आदत देखो, इससे पहले इसने यहाँ पे 400 से 1000 आया था, दिख रहा है सचिन? 400 से 1000 कितना समय लगा था गिन लेने का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महीने 10 महीना लगा था इसको 400 से 1000 आने में। आदतें जल्दी जाती नहीं है, इस बार भी मैं 10 महीने में 400 से 1000 की उम्मीद रखूं। कोई शक सर? यस सर, समझ में। तो हमेशा लेने का नीचे, प्रॉफिट बुक करने का ऊपर, प्लान द गेम एंड प्ले एज पर प्लान, राइट। इसके बाद ये अभी इतना ही सोचो, अभी ब्रेकआउट ब्रेकआउट कुछ भी मत सोचो, राइट, क्योंकि अमरा राजा बैटरी भी ना लाइफ टाइम हाई सेल्स करने वाला है ना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। लेकिन यहां आते आते यहां पे अगर आपने देखा कि कंपनी के नतीजे आए कि उसने अपने सारे पुराने हाई सेल्स और प्रॉफिट को पार कर दिया है, तो मैं अमरा राजा बैटरी से क्या उम्मीद करूंगा? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट की उम्मीद करूंगा ना। यस, तब अपन उम्मीद करेंगे और तब अपन एक्सटेंशन के टारगेट निकाले, राइट सर, जो लंबे होंगे। अभी वो सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उसका दिल्ली दूर है, पर स्ट्रेटेजी ऐसी रखने की, आपको एडवांस में पता चलना चाहिए इधर ही कि ये शेयर ब्रेकआउट देने वाला है कि नहीं देने वाला है। राइट, मेरे को याद है कि हमको किसी ने पहले ये नहीं सिखाया था कि नीचे लेने का। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी थी स्टॉक मार्केट की, बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, पर सब किताब क्या सिखाती थी? ब्रेकआउट इज द की, ब्रेकआउट के बाद लो और फिर मजा करो। तो मैं कितने वर्षों तक सिर्फ ब्रेकआउट से लेता था और ब्रेकआउट के लेने के बाद पैसा भी मिलता था, मस्त शेयर चलते थे, लेकिन मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा मिस करता था। राइट, मुझे पता ही नहीं चलता था कि नीचे के लेवल पे लेने चाहिए। जब हमने नीचे के लेवल से शेयर लेने के चालू किए, उसके बाद अब कभी मुझे ब्रेकआउट पे लेने की इच्छा नहीं। पता नहीं क्यों ब्रेकआउट पे लोग लेने का कहते हैं, पर मैं ब्रेकआउट पे नहीं लेता। हमारे लिए यही सब लोअर लेवल है लेने के, अगर नीचे लेंगे तो ब्रेकआउट पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी तो डाली हुई है अभी से, बराबर है? तो अपना टारगेट फिक्स रहना चाहिए, ऐसे ही करने का काम। राइट, यस सर, थैंक यू। तो नाउ अगेन, कोई भी कंपनी, ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी कंपनी का फेलियर बीओटी आता है, टारगेट आता है, ब्रेकआउट आता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इतना याद रखना। वो कंपनी डिपेंड है इंडेक्स पे, फिर चाहे अमरा राजा हो, चाहे मारुति हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, ये सारी चीजें इंडेक्स पे डिपेंड है। इंडेक्स के ब्रेकआउट आपके स्टॉक को स्ट्रेंथ देते हैं, इसीलिए इंडेक्स देते हैं। यहां पर अगर मेरे को एफएल का चार्ट देखना है तो मेरे को एफएल से पहले क्या देखना चाहिए बताओ? एफएल यानी किससे रिलेट करेंगे बोलो इसको, यानी बड़े चैट बॉक्स की ओपन, निफ्टी आईटी अमरजीत सर, या देखो हम इसको दो चीज से रिलेट कर सकते हैं, दो चीजों से। वैसे निफ्टी आईटी इसका प्रॉपर इंडेक्स है, लेकिन इसको मीडिया की कंपनी भी कह सकते हैं, मीडिया, क्योंकि आपकी जो एफएल है वो असल में करती क्या है, वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब तक न्यूज़पेपर में, जो अब तक टीवी चैनल में एडवर्टाइज दिया करती थी, वो सब कंपनियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मीडिया पे ऐड देने की। ज्यादातर दुनिया आज डिजिटलाइज्ड हो गई है, या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, या तो मोबाइल पे है, या लैपटॉप पे है, तो जो लोग जहां हो वहां ऐड, तो इसीलिए ये एफएल का इतना जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। अगर आप इसको मीडिया से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आए। सॉरी, मैं यहाँ पे मीडिया ड्रॉ करता हूं, अब देखोगे मीडिया की तो पूरी हवा टाइट, ये निफ्टी मीडिया,
ये मीडिया कब से करेक्शन में है, 2018 से। 2018 में जस्ट अ मिनट, इन 2018 निफ्टी था 12,000, अभी 12 का करीबन हम गिन सकते हैं 24,000, 12 और 6 50% चल चुका है। मतलब अगर मैंने निफ्टी के स्टॉक लिए 50% कमाया, पर मैंने अगर मीडिया के स्टॉक लिए हुए तो मेरे पैसे अभी भी आते हैं। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म रखो कोई टेंशन नहीं है, पर ऐसा जरूरी नहीं है लॉन्ग टर्म रखने में पैसे बने। अगर मैं मीडिया स्टॉक लॉन्ग टर्म रखता हूँ कहाँ पैसे बने, क्योंकि लोगों ने मीडिया में एड देना बंद कर दिया है। तो हम देते हैं, एक टाइम इनकी दादागिरी थी, अभी कोई दादागिरी नहीं, अभी इनकी जगह डिजिटल मीडिया ने ले ली है, राइट। तो ये मीडिया सेक्टर पूरा इसकी वजह से एकदम करेक्शन में है, राइट। कोई स्टॉक वाइज अगर आपने रैली देखी है तो वो स्टॉक में देख लीजिएगा, वो स्टॉक की रैली नहीं है, कॉर्पोरेट एक्शन की एक टेम्पररी रैली है, राइट। जहां कहीं अभी अदानी ने कंपनी खरीदी तो स्टॉक दौड़ने लगा है, बराबर है। चलो अदानी आया मतलब वो स्टॉक, वो कंपनी को ग्रोथ करना है, उसको ग्रोथ कैसे करना पता है। पर सेक्टर अगर बुरा हो, हर बार जरूरी नहीं है कि धंधा करने के लिए कोई कंपनी खरीदी गई हो, राइट। बहुत सी बार मीडिया की कंपनी जबरदस्त काम लग सकती है बिजनेस हाउसेस को, राइट। तो ऐसा करके वो कंपनी मत ले लेना, बराबर है। कि अदानी ने लिया तो मैं ले लूंगा। हम एफएल को कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी आईटी के साथ, राइट। सी दिस इज निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी इतना जबरदस्त है, जैसे ये टाइम जब 2008 का फॉल था, हम सब लोग ये फॉल में ट्रैप हुए हुए थे, चिंता में थे पता नहीं क्या होगा। वो समय में हमने देखा आपका जो निफ्टी आईटी ने पहले ब्रेकआउट दिया, प्लीज रिमेम्बर, अभी मैंने क्या बताया, जो पहले ब्रेकआउट देगा वो ज्यादा चलेगा, लंबा चलेगा, तेज चलेगा। तो निफ्टी 2014 में चली, निफ्टी कब चली, निफ्टी ने ब्रेकआउट इधर दिया, निफ्टी आईटी ने 2011 में ब्रेकआउट दिया, मतलब निफ्टी से 3 साल पहले। तो निफ्टी आपको चिक चिक के क्या कह रहा था, निफ्टी आईटी, कि भी मेरे को ज्यादा दौड़, दुनिया भर में मेरी तेजी चल रही, राइट। तो मेरे निफ्टी आईटी जो थे उनके जो टारगेट्स कितने समय में आ गए, अपना 18,000 का टारगेट बनता था ना एक्सटेंशन का, देख लो कितना समय लगा उसको, टूटा कम, मतलब कम समय के लिए ये करेक्ट हुआ था 2007 टू 2011, सॉरी 2010, 3 साल, मतलब 3 से 4 साल में मेरे टारगेट आ रहे, राइट। 18,000 लेटेस्ट चेक, कितना समय लगा भाई। देखो हमारी आदतें जो थी ना, मेरी आदतें, मैं बोलूं हमारी नहीं, मेरी आदतें ट्रेडिंग वाली बहुत थी पहले, राइट। तो मैं हर जगह पे बेचा करता था, इधर बेचने का, इधर बेचने का, फिर जब टारगेट आएगा तो माल ही नहीं होगा आपके पास, सब नीचे बेच के रखे। उसके मैं आपको कहता हूँ रैली में बहुत हैरान मत करो, अभी तो कमाने का टाइम आता है अपना रैली में, इतना समय अपन संभाल के रखते हैं स्टॉक को करेक्शन में, क्यों रैली में निकाल देने का, राइट। देखो ये टारगेट आपके आए 2020, राइट। ये पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद और कुछ समय करेक्शन चला था, और इसको स्ट्रेंथ 2013 में मिली थी चलने की, क्यों, क्योंकि निफ्टी करेक्शन में था, जो फेन फादर इंडेक्स बार बार टूटता जा रहा था, पर निफ्टी आईटी एडवांस था। 2013 में जो चला इसमें अपने टारगेट आ गए, ये फॉल के हिसाब से देखे थोड़े ज्यादा समय लगे, पर यस अपने टारगेट आए, राइट। और ये जो टारगेट आए ये और रैली के साथ आए, नई रैली। अब मैं ये टारगेट को मिटा देता हूं, बढ़िया रैली यहां पे की, राइट। ये रैली के बाद अब ये करेक्शन निफ्टी आईटी में आया। अब इसको जरा निफ्टी से कंपेयर करके देखो दोस्तों, इस बार ज्यादा कौन टूटा है, निफ्टी टूटा है कि निफ्टी आईटी टूटा है। निफ्टी आईटी कितना है अभी, इसने अभी बीओटी दिया, ये इसका पहला बीओटी था लास्ट मंथ। और निफ्टी ने कब बीओटी दिया था याद है, इधर ही दे दिया था, जब ये आराम कर रहा था तब निफ्टी बीओटी दिया एडवांस में, इसीलिए निफ्टी ब्रेकआउट लेवल पे आ गया। और निफ्टी आईटी अभी भी इधर ही घूम रहा है, ये ज्यादा टूटा इसीलिए लेट चला, इसके टारगेट लेट आएंगे। तो चाहे कोई भी कंपनी हो निफ्टी आईटी की, वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे वो एलटीटीएस हो, चाहे आपकी फेवरेट हो, चाहे फेवरेट ना हो, पर फादर यानी इंडेक्स इज एवरीथिंग। जब इंडेक्स करेक्शन में है तो इसको किधर जाना है, तो तैयार रहो ये टाइम, राइट। निफ्टी आईटी किसको रिफ्लेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी की कंपनी हो। ये इंडेक्स देख के याद करो नास्डेक कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं, क्योंकि नास्डेक टेक्नोलॉजी की है, ये भी टेक्नोलॉजी की है। नास्डेक से ही अच्छा है, क्योंकि नास्डेक किधर आ गया वापस, लाइफ टाइम लो के नाते, ये उतना बुरा नहीं है नास्डेक से, राइट। तो नास्डेक से अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, पर मैं निफ्टी से ब्रेकआउट उम्मीद करूंगा, क्या मैं निफ्टी आईटी से उम्मीद करूंगा, नहीं। पहले इसके टारगेट तो आए भाई, यहां तक तो तुम पहले रिकवर हो, फिर हम सोचेंगे उस समय क्या है। अभी के जो निफ्टी आईटी के सेल्स और प्रॉफिट है अच्छे है, सेल्स डिमांड अच्छी ही है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम, प्रॉफिट इनके टूटे हुए थोड़े मार्जिन इनके डाउन है, ये एक प्रॉब्लम है, पर वो नॉर्मल है। ये टूटा इसलिए है ग्लोबल टर्न ऑयल से, आपने देखा होगा रोज एक कंपनी का न्यूज आ रहा है
ये टेक्नोलॉजी की कंपनी ने इतने लोगों को निकाला, अभी जस्ट आज ही मैं नाम भूल गया कंपनी का, सी है कुछ अपने 4000 एम्प्लॉय को निकाल रही है अगेन फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो रोड टेक्नोलॉजी की कंपनियां जब एम्प्लॉय निकालेंगी ये कोई पॉजिटिव बात नहीं, पॉजिटिव बात क्या है जब टेक्नोलॉजी रिक्रूटिंग मोड पे होती है, राइट। तो यस, अंदर खाने क्या चल रहा है, बुरे हाल वर्ल्ड वाइड, जब टेक्नोलॉजी के बुरे हाल है, अपने यहाँ पे जो स्टार्टअप थी ज्यादातर टेक्नोलॉजी की, उन सबके क्या हुए, ज्यादातर स्टार्टअप ने देखा ना आपने प्रॉब्लम आ गई, स्टार्टअप्स के भी प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, राइट। तो डोंट एक्सपेक्ट वेयर व्हाट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, राइट। तैयार रहो, ये करेक्शन करेगा, मतलब ये अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी को, तो थोड़ा समय वेटेज रख। मैं नहीं कहता कि बेचो, बेचने का तो जरूरत ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, बढ़िया ही चलना है, पर अभी मेरे को ये परफॉर्मेंस आउट नहीं दे सकता है तो मैं थोड़ा वेटेज को कम रख सकता हूं। बहुत ज्यादा माल लेने का हो तो इधर नहीं लेने का, दूसरे सेक्टर जहां पे ग्रोथ हो वहां पे ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, राइट। दिस इज निफ्टी आईटी, जिसके बुरे हाल है, अब आप एप्पल देखो क्योंकि आप उसकी कंपनी देख रहे हो। देखो एप्पल की अगर आप सेल्स देखो, प्रॉफिट देखो, लाजवाब है, अभी भी मेरे ख्याल से 50-60% का ग्रोथ है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। इसका करेक्शन कैसा है मैं बता दूं, एक तो मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये टूटा, अगर आप ये बुलिश एंगल सिंह देखोगे एक्सेट इसके S1 तक आया, दिस इज योर S1 ऑफ बुलिश एंगल, फिर ये रिकवर कितना हुआ, आधा हुआ क्या, कि पूरे से भी ज्यादा, ये ज्यादा रिकवर हुआ, राइट। टूटा कम, यानी ये बार बार ऊपर जाने की प्रयास कर रहा है, ये करेक्शन ऐसा वाला है क्या, ये करेक्शन ऐसा है, नो, ये करेक्शन स्ट्रॉन्ग है ऊपर की ओर, इसको बार बार जाने का है और इसका इंडेक्स करेक्शन में है, फिर भी एफएल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आईटी से अच्छा परफॉर्म कर रही है कम से कम, राइट। बाकी दूसरे स्टार्टअप को देख के अभी तो हाल बुरे होंगे, पर एफएल इज गुड, कैन सी एब्सोल्युटली, अभी करेक्शन मोड में कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर इसका S1 गिनाओ, देख लो एफएल का टारगेट क्या बनता है, इसका टारगेट इधर कहीं आना चाहिए, राइट। ये जो बुलिश एंगल सिंह कैंडल है उसके R3 और S1 ध्यान रखो ताकि आपको रेंज पता चले, हर बार नीचे आए दुखी नहीं होने का, खुश होने का, लोअर रेंज पे माल लो, अपर रेंज पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, जब तक, कब तक, जब तक ये रेंज पार करके आगे निकल के एक वापस से नई रेंज में नहीं आता, फिर आप भूल जाओगे इधर कहां माल ले रहे थे, वो भाव नहीं आएंगे वापस, राइट। फिर नए भाव, नई अपॉर्चुनिटी, 2-3 साल बाद आप अभी भी कमा रहे हो, पगार चालू है, नौकरी चालू है, वो टाइम पे और पैसा इकट्ठा हुआ, डालो फिर और ऐसा भी करो, बराबर की नहीं, पर रैली में पीछे मत पड़ो, इधर ही पैसा खाली कर दोगे तो इधर क्या लोगे, पैसा ही नहीं होगा आपके पास, इधर क्या लेने का, इधर कैश, लिक्विड फंड, फिक्स डिपोजिट, PPF, गोल्ड, कितनी चीजें हैं जो जो सेफ है वो लो ना, और इधर क्या लेने, स्टॉक 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 एंड ओनली स्टॉक, ये टाइम FD करने का नहीं है और ये टाइम स्टॉक लेने का नहीं, प्लानिंग रखो कब मुझे फिक्स डिपोजिट्स लेनी है और कब मुझे शेयर लेने हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद 15 साल बाद आपका 50% रुपया फिक्स सिक्योरिटी में रहना चाहिए, 50% शेयर बाजार, राइट। और ये 50-50% हर महीने नहीं, गिरावट में खाली शेयर आने चाहिए, रैली में खाली फिक्स सिक्योरिटी होना चाहिए, दिस इज योर प्रॉपर प्लान, गॉट इट। एफएल, योर आइडिया इज क्लियर, आई होप सो, राइट। सो एफएल के बाद ये आमरा राजा बैटरी थी, बोल। अपोलो हॉस्पिटल मेरे को चेक करना है, यस एनीबडी, अपोलो हॉस्पिटल कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है प्लीज, अपोलो हॉस्पिटल यानी कौन सा सेक्टर, हेल्थ केयर, या तो करूं हेल्थ केयर, दिस इज हेल्थ केयर इंडेक्स, क्या यार क्या कर रहे हो, निफ्टी इधर है लाइफ टाइम हाई के करीब और तुम इधर घूम रहे हो, निफ्टी 100% रिकवर हो गया, तुम आधा भी रिकवर नहीं हुए हो, देखो कितना रिकवर हुआ, आधा तो हो गया है, कितना गिन लेने का, कितनी रिकवरी आई है, कितनी, 61%। तो जैसे अपन ऊपर से कैच करते थे ना स्टॉक को नीचे 61 पे, जैसे ये ऊपर ट्रैप हो गया, तो ऐसा क्यों निफ्टी 100% रिकवर हो गया और हॉस्पिटल खाली 60%, 40% गैप क्यों रह गए, या नहीं पड़ी, हेल्थ केयर में क्यों ऐसा है, हु विल टेल मी व्हाई योर हेल्थ केयर इंडेक्स इज नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज नन ऑफ योर हेल्थ केयर कंपनीज इज मेकिंग लाइफ टाइम हाई सेल्स दिस ईयर, ये साल हेल्थ केयर के धंधे नहीं बढ़ रहे, अफेक्टेड है। तो आप कोई भी हेल्थ केयर ढूंढो, फार्मा ले लो, राइट, लेबोरेटरी की कंपनी ले लो, अस्पताल की कंपनी ले लो, हालत टाइट है, इस बार लाइफ टाइम हाई नहीं है, तो हेल्थ केयर अभी मंथली लो भी बना दिया, देखो मतलब हेल्थ केयर ने आपको अभी से बोल दिया है कि अगर बाजार नीचे जाता है तो पहले कौन टूटेगा, जो कम चला है वो पहले टूटा कि नहीं,
राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? जो ज्यादा चला है निफ्टी, क्या उसने मंथली लो लगाया? बिल्कुल नहीं। पर अगर निफ्टी मंथली लो लगाता है, अगर निफ्टी लगाता है तो आपका हेल्थ केयर तो इधर आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो इंडेक्स टू इंडेक्स देखो, निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है 19600 आता है, तब जाके ये कहीं लाइफ टाइम हाई के करीब आएगा, पर आप इससे ब्रेकआउट की उम्मीद अभी मत रखो, राइट? हम कितने समय से कह रहे हैं कि हेल्थ केयर की कंपनियां इस बार लाइफ टाइम हाई सेल्स प्रॉफिट नहीं लगा पाए, राइट? तो उम्मीद ही नहीं रखती, कम वेटेज रखने का ये था, बराबर? सुधरने तो दो उनके धंधे और प्रॉफिट, फिर देखेंगे। तो दिस इज हेल्थ केयर, नाउ यू कैन कंपेयर इट विद अपोलो हॉस्पिटल। तो दिस इज अपोलो हॉस्पिटल, सेम, अभी पता चला इंडेक्स है ना, इंडेक्स ने रिकवरी की, अपोलो हॉस्पिटल ने रिकवरी की। इंडेक्स आधा रिकवर हुआ, अपोलो हॉस्पिटल आधा रिकवर हुआ। इंडेक्स ने मंथली लो लगाया है, अपोलो ने नहीं लगाया है ना, तो ये इंडेक्स है थोड़ा पावरफुल होने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो अपोलो हॉस्पिटल को एक नया लो लगाना था। तो इसके मेजोरिटी बिहेवियर अपने इंडेक्स जैसे है, पर अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लो नहीं लगाएगा तो हेल्थ केयर भले नए लो पे आ जाए, ये लिमिटेड टूटेगा। देखो टूटना तो है ही, अगर हेल्थ केयर टूटेगा तो, पर ये कम टूटेगा, राइट? और जो स्टॉक ने हेल्थ केयर में मंथली लो लगा दिया होगा वो ये नया लो लगाएगा, राइट? सो प्लानिंग शुड बी इन एडवांस हियर इन अपोलो हॉस्पिटल। 50 मेमा अभी तक आया नहीं, अगर हेल्थ केयर नीचे आए वो आ सकता है, 50 मेमा का प्लानिंग रखो दोस्तों। आपका ये है रिकवरी का, कम से कम अगर बाजार 19600 आता है तो ये इधर तक रिकवर होगा, इधर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपन 5%, राइट? पर ऐसे ही जो फॉल है फॉल में ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या आप देख सकते हो कुछ समय पहले जब अपोलो हॉस्पिटल से पहले भी करेक्शन में था, देख रहे हो, दिस वॉज योर फुल करेक्शन, और ये करेक्शन भी कितना लंबा था, राइट? 2016-20 चार साल बराबर की। टारगेट बोलो भाई तुम्हारे कितने हैं, देख लो कंप्लीट, राइट? टारगेट क्लियर करके भी आगे चला है, अभी उधर ही सपोर्ट ले रहा है, बराबर? तो दिस इज योर अपोलो हॉस्पिटल, यू कैन चेक योर अदर कंपनीज इन द सिमिलर मैनर। दोस्तों अगर अपोलो हॉस्पिटल आपको लेने हैं तो यस फॉल का समय है एक्यूमुलेट करने का, पर एग्रेसिवली उम्मीद रखने की कि मेरे पास पैसा बचना चाहिए कल भी अपोलो हॉस्पिटल लेने के लिए, क्योंकि वो रातों रात दौड़ने वाला नहीं, रातों रात कौन दौड़ेंगे, अचानक कौन चलने वाला है, वो शेयर जिनके सेल्स प्रॉफिट सब बढ़िया है, राइट? बजाज फाइनेंस, ऋषभ भाई, बजाज फाइनेंस, दिस इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के साथ मुझे क्या चेक करना चाहिए बताओ ऋषभ भाई, अगर मैं बजाज फाइनेंस चेक करूं तो मेरे को उससे पहले और क्या चेक कर लेना चाहिए, कौन सा इंडेक्स, फाइनेंस या निफ्टी फाइनेंस? चलो चेक करते फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कोविड में, ये कोविड में टूटी थी, फिर यहां बीओटी आया, टारगेट आए, कोविड के बाद बहुत अच्छी रैली आई, पर ये रैली इतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि ट्रेडर रिमोट्स आया और वो अपने पुराना जो ये रेजिस्टेंस था उधर सपोर्ट ले रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विस वैसे हमेशा आउट परफॉर्म करता है जनरली निफ्टी को, राइट? पर इस बार कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल सर्विस रेंज बाउंड हो गया, राइट और रॉन्ग सर? ये रेंज बाउंड क्यों हुआ, जबकि दूसरे जो इंडेक्स थे, राइट, वो कैसे थे? फाइनेंशियल सर्विस के रेंज बाउंड होने की वजह, इनका तो कोई इन्फ्लेशन से लेना देना नहीं, बराबर ना? इन्फ्लेशन बढ़ेगा इनके थोड़ी ना प्रॉफिट गिरते, पर फिर भी ये क्यों रेंज बाउंड पे आया, यस, कौन बताएंगे, एनीबडी वुड लाइक टू एड देयर इनपुट्स? कि किसी के पास भी अगर फाइनेंस की कंपनी हो, कोविड के बाद चलो उन्होंने कमाया होगा, पैसे कमाए, बट स्टिल इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं देखा हमने फाइनेंस में अभी तक, दिखना चाहिए आने वाले समय में। पर अभी अमरजीत सर ने बिल्कुल सही लिखा है, डिक्लाइन इन लोन्स, राइट? इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ करीबन 9 quarters तक पूरा था, अभी पिछले 2 quarters से इंप्रूवमेंट आया है क्रेडिट ग्रोथ में, राइट? पहले 14% क्रेडिट ग्रोथ, मतलब 14% से लोन बिकने लगी है ज्यादा, इसका मतलब 14% इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी अपनी कंपनियों, तो आपकी कंपनियों के धंधे भी 14% बढ़ते दिखो। अभी जो आरबीआई का डेटा आया वो 20% का आया, इसका मतलब कि अब मैं फाइनेंस की कंपनियों के सेल्स कितने बढ़ते देखूंगा, 20%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो हमने 1.5 साल से म्यूटेड फेज देखा है, अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे, राइट? इधर फाइनेंशियल सर्विस,
अभी फाइनेंशियल सर्विस 100% रिकवर हो गया ऋषभ भाई। एवरीबडी निफ्टी भी ब्रेकआउट पे आया, ये भी ब्रेकआउट पे आया, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, इसने अभी तक नहीं दिया है पर ये रिकवर प्लान हो गया। तुम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत निफ्टी जैसा परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस बहुत नहीं है, आउट परफॉर्मेंस भी अभी नहीं है, राइट। तो फाइनेंशियल सर्विस पे कौन सी कंपनी आती है बड़ी बड़ी, कोई दो कंपनियों के नाम सर, फाइनेंस में कोई बड़े बड़े, फाइनेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये छोटा सेक्टर नहीं है इंडिया का, राइट। इसमें हाउसिंग फाइनेंस आता है ना, हाउसिंग फाइनेंस, फिर रिटेल फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, तो कई अलग अलग फाइनेंस की कंपनी है। तो पहले बजाज फाइनेंस देखने से पहले HDFC देखना चाहिए, जो कि जायंट कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस, राइट, जायंट कंपनी हाउसिंग फाइनेंस की। दिस वॉज कोविड टाइम, कोविड के बाद ब्रेकआउट भी दिया पर अभी भी ये करेक्शन नहीं है, है ना, कुछ इतना अच्छा इसने कमा के नहीं दिया है, बराबर। पोस्ट कोविड क्या हो गया इसको, तो पोस्ट कोविड जब हमने कहा क्रेडिट ग्रोथ कम था तो सबसे कम हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियों में था, होम फाइनेंस की बिक्री काफी कम हो गई थी, तो उसकी इफेक्ट जो सबसे बड़ी होम फाइनेंस की कंपनी है HDFC उस पर भी पड़नी है, बुरी नहीं है, रिटर्न बुरे नहीं है, पर हम जरूर कहेंगे निफ्टी 100% आ गया, ये कम रिकवर हुआ, इतनी गैप है यहाँ, वो गैप क्यों है, सेल्स ग्रोथ कम है पूरे हाउसिंग फाइनेंस में, राइट। आपका HDFC, आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सब हाउसिंग फाइनेंस में आएंगे, हर एक कंपनी। देखो LIC किधर है अभी, बहुत बड़ी गैप है, जब से पैदा हुई ये कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है, सो वी कैन से दिस इज हाई क्वालिटी, पर चल क्यों नहीं रही है, ग्रोथ भी तो होना चाहिए, राइट। जब पापा में ग्रोथ नहीं है HDFC में, तो ये सबके दुकान नंबर लगेंगे, भी बहुत टाइम है इन लोगों, पर अभी जब क्रेडिट ग्रोथ आया है तो हम ये लो नहीं देखेंगे, इतनी चिंता नहीं करनी, राइट। ये क्रेडिट ग्रोथ पूरा था, अभी सुधरा है, हम धीमे धीमे LIC को इधर आता हुआ देखेंगे, यस ये रिकवर होकर इधर आ जाएगा, तब जब LIC पूरा रिकवर हो जाएगा तब तक आपका HDFC इधर चला जाएगा, वो ब्रेकआउट दे के आगे दौड़ के इधर आए, पर चलो अब तो ये मर्ज हो जाएगा तो भी HDFC देखिए कोई फायदा नहीं है। HDFC के बाद दूसरी बड़ी कंपनी आती है रिटेल फाइनेंस, और वो जो आपने बोली बजाज फाइनेंस, तो हमेशा भाई बहनों को साथ में देखो, पीयर ग्रुप साथ में देखो, तभी समझ में आए, राइट। देखो मैं इधर ब्रेकआउट का लाइन किया कोविड के बाद का, मस्त रैली दी इसने, पर फिर भी देखो अभी हमने जैसा फाइनेंशियल सेक्टर में देखा रैली, ट्रेडर रिमोर्स, मतलब जिधर तक टूटा कम करीबन उतना आया, थोड़ा बाकी है पर हम बोल सकते करीबन उतना, अभी भी ये किसमें है, करेक्शन मोड में, राइट। फंडामेंटल क्या कहते हैं, सेल्स ग्रोथ बढ़िया रहेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, यस अभी रिलायंस एंट्री ले रही है फाइनेंस में, तो ये इन लोगों के सबके लिए थोड़ी चिंता की बात है। बजाज फाइनेंस अगर 20% से ग्रोथ करता है, हो सकता है उसका ग्रोथ 18% हो जाए, 17% हो जाए, कब, जब ये लोग मैदान में आ जाएंगे, बजाज फाइनेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ग्रोथ में जरूर फर्क पड़ेगा, अगर ग्रोथ थोड़ा कम होता है तो इनके पीई भी वैसे एडजस्ट हो, राइट। चिंता की कोई बात नहीं, अभी भी परफॉर्मर बजाज फाइनेंस रहेगा, पर यस ये एक बात है जो बजाज फाइनेंस को नीचे खींच रही, स्टिल नो नीड टू वरी, बजाज फाइनेंस करेक्ट हो रहा है, तो मेरे लिए एग्रेसिव होने वाली जगह कौन सी है इधर बता सकता है कोई, ए बी 100% रिट्रेस में, तो सी कितना, इधर तक ही ना, तो इससे तो नीचे इसको जाना नहीं, ए इज इक्वल टू सी, ये पूरा जो फॉल है SIP करते जाओ, राइट, SIP करते जाओ, क्योंकि अब जब ये दौड़ेगा अब की बार अब ये भाव नहीं देखोगे, फिर क्या होगा, एक नई रैली, देखो वैसे भी अपने को इसके ये टारगेट तो आने एक्सटेंशन के, है ना, 15,000 के टारगेट ध्यान में लेके चलो, अब जब ये चलेगा ये 15,000 पे इसको पहुंचना है, तो 15 का फायदा चाहिए, तो मुझे ये जगह पे SIP करना पड़ेगा, एवरी मंथ एक 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 ऐड करते जाओ, बराबर ऋषभ भाई, कोई चिंता की बात नहीं, राइट। और कोई फाइनेंस की कंपनी किसी के ध्यान में है नहीं, और कोई बड़ी कंपनी कौन सी है हाउसिंग फाइनेंस की सबसे बड़ी, देखिए HDFC, देखो ये भी देखने का, ये जो मुरली शंकर सिंह बनाए ना, इसके भी टारगेट ढूंढ लेने के, S1 और 12 महीने में इसका R3 आएगा, यही 12 महीने में, 1-2-3 महीने बीत गए, बाकी 9 महीने में हम ये R3 देखेंगे इधर जो आएगा, किन लो अभी से, राइट। अपने को दोनों टारगेट पता रहे, लॉन्ग टारगेट ऑफ रिट्रेसमेंट, शॉर्ट टारगेट ऑफ दिस टाइप ऑफ पुलिंग एंगल से, या सो वी चेक बिगेस्ट हाउसिंग फाइनेंस, वी चेक बिगेस्ट रिटेल फाइनेंस, एंड विच इज बिगेस्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनी, या गोल्ड फाइनेंस में हम रिटेल फाइनेंस जितना ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं, मुथुट फाइनेंस, तो ऐसा मत बोलो कि ज्यादा क्या चलेगा, मुथुट चलेगा कि बजाज चलेगा, अरे कोई डाउट ही नहीं है बजाज चलेगा, क्योंकि बजाज को रिटेल फाइनेंस में है, रिटेल को ज्यादा ग्रोथ मिलना है, उससे कम आपके होम फाइनेंस को ग्रोथ मिलना है, और होम फाइनेंस से भी कम गोल्ड फाइनेंस को ग्रोथ मिलना है, राइट। होम फाइनेंस
आपकी गोल्ड फाइनेंस की कंपनियों का ग्रोथ आप उम्मीद कर सकते हो 10-12%। तो दिस इज योर मुथूट फाइनेंस, अभी कौन से लेवल पे आया है, लेने के भाव पे है कि नहीं है? या अब आप बोलो पहली प्रायोरिटी मुथूट होनी चाहिए कि बजाज होनी चाहिए, तो पूछो अपने आप कम कौन टूटा है, पहले कौन चला है? जो कम टूटा है वो पहले चलेगा, जो पहले चला है वो ज्यादा चलेगा, लंबा चलेगा। मुथूट फाइनेंस 50 मेमा पे आ चुकी है, बजाज फाइनेंस नहीं आई है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये ले लो ये, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, राइट? पर ऐसा मत करो, जो आउट परफॉर्मर है उसको लो, नहीं तो इस केस में आप निफ्टी नहीं लोगे, आप खाली डाउ जोन्स या नास्डेक लोगे, और डाउ जोन्स और नास्डेक आउट परफॉर्म नहीं करेगा इंडिया को, इंडिया को ही आउट परफॉर्म करना है, इन द सेम वे बजाज फाइनेंस को ही आउट परफॉर्म करना है, राइट? तो सी मेजॉरिटी ऑफ योर कंपनीज लार्जेस्ट फ्रॉम फाइनेंस आर स्टिल इन करेक्शन, फिर चाहे वो HDFC हो, बहुत लोग कहते हैं HDFC इज अंडर परफॉर्मिंग, अरे भाई फाइनेंस नहीं चल रहा है, हाउ कैन इट परफॉर्म, होम फाइनेंस के हाल देखो, सुधरने दो, जानो प्रॉब्लम क्या है अपनी कंपनी का, राइट? नहीं तो फिर क्या करेंगे, जो हम करते थे पहले, अरे ये नहीं चलता है हटाओ इसको दूसरा ले, फिर गोल गोल घूमते रहते, फिर अपनी कंपनी चलती और हम कहीं और होते, ये गलती में नहीं जाने का। मैंने जो ये 2007-08 वाला फॉल था उसमें इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां सब बेच दी, सब पूरा मेरे पास म्यूचुअल फंड का लॉट था, उस समय मैं म्यूचुअल फंड में भी बहुत इन्वेस्ट करता था, सब बेच दिया था मैंने, सब अच्छी अच्छी HDFC बैंक ना एशियन बैंक ना सब बेच दी थी, क्यों? क्योंकि बाजार अच्छा नहीं था, समाचार अच्छे नहीं आते थे, फिर जब समाचार अच्छे आए तो बाजार 4,000 पे नहीं था, बाजार 6,000 था, अब क्या करो, चलो अच्छे समाचार पे लेंगे, नहीं समझ में आता था, टीवी देखते थे रोज, तो टीवी पे तो रोज डर लगेगा जब ऐसे समय होंगे तब, और ये समय पे तो और खुश कर देंगे टीवी वाले, और नए नए टारगेट दे देंगे, तो अपने को किसी को देखने की जरूरत नहीं है, खुद का ही प्लानिंग रखने का, किसी और को सिन के हम कभी भी नहीं कमाएं, राइट? सो दिस वॉज योर मुथूट चेक इन दिस वे, यही वो तरीका है। मन्नापुरम सर दूसरे नंबर की कंपनी है, मुथूट सबसे नंबर वन, मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस की बड़ी कंपनी पर मुथूट जितनी रहे, राइट? पहली अगर गोल्ड में जा रहा हूं तो मेरे को मन्नापुरम में नहीं मुथूट में ही रहना चाहिए। देखो मन्नापुरम किधर तक टूट गया, 50, 100 के भी नीचे, 2011 के लेवल पे आ गया, राइट ना? तो लोग ये लेंगे मन्नापुरम ले लो बहुत टूटा है, अरे ये नहीं मुथूट लेने का, मन्नापुरम और मुथूट में जो कम टूटा है वो ज्यादा चलेगा, वो पहले ब्रेकआउट देगा, राइट? देखो कितना सिंपल होता है अपना, बराबर कि नहीं? क्या लिखा सर आपने, व्हाट टारगेट्स कैन बी एक्सपेक्टिंग मुथूट? सर रिकवरी याद रखो अभी, है ना? देखो ये मुथूट फाइनेंस कर रहा हूं, अब पहला तो मेरे को क्या ये टारगेट रखना है सर, इधर इससे पहले बुक करने का ही नहीं प्रॉफिट, अगर मैं 50 मेमा पे ऐड करता हूं तो मैं इधर 5% प्रॉफिट बुक करूंगा, मुथूट इज अ वेरी गुड कंपनी, पर ये सेक्टर थोड़ी ना वेरी गुड है, कोल्ड है जो धीमे चलता है, बराबर ना? इसीलिए ये बजाज को इसने पास्ट में भी अंडर परफॉर्म किया और आने वाले समय में भी करेगा, बट इफ वी हैव मुथूट डोंट नीड टू वरी, कभी ये लॉस नहीं करने वाली, राइट? आपको ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगी, अगर रिटायर हो हर साल डिविडेंड देगी, राइट? मैं प्रॉफिट बुकिंग कुछ यहां पे करूंगा, ऑलराइट सर? ओके कितना समय, ओके सर यही से गिन लो, देखो पहले वो इधर से इधर कितने टाइम में आई थी, इसकी आदत क्या है, 11 महीने, पहले भी इसको 11 महीने लगे थे 1000 से 1500 आने, अभी भी मैं उम्मीद करूंगा आने वाले 11 महीने में, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 महीने बीत चुके, 6 महीने में हम इसको देखेंगे 1100 पे सर, बराबर? ये डिस्कवरी नहीं है, ये सिंपल है, हम इसकी हैबिट को समझ रहे हैं, अगर ये यहां से टूटती है वो भी आपको पता रहना चाहिए, ये वापस 1000 कितने समय में आएगी, गिन लो इसकी आदत क्या है, टूटने में ज्यादा समय लेती है, तो ये यहां पे भी टूटने में ज्यादा समय लेगी, धीमे धीमे टूटेगी, पर चलने में पूछने को नहीं रहती है, ये सदासर चलेगी, राइट? तो हर चीज आपको इनकी आदत उसे पता चलेगी, बराबर सर? या करेक्ट। सो नाउ सी वी चेक सेवरल कंपनीज, हमने क्या सीखा दोस्तों, आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखी है दोस्तों, इसको आप जितना अच्छी तरह से ग्रहण करें कि हम फॉल में क्या करेंगे, फॉल में क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे, हम बाइंग किधर करेंगे, हम बाइंग मेमा पे करेंगे, रिट्रेसमेंट पे करेंगे, हम बाइंग एग्रेसिव किधर करेंगे, BOT पे करेंगे, राइट? अभी तैयारी है BOT की, मुथूट की, हम एग्रेसिव बाइंग BOT पे करेंगे, फिर ये तीनों चीज पे करने के बाद क्या करेंगे, फिर टारगेट की वेट करेंगे, अच्छे अच्छे समाचार आएंगे यहाँ पे, जब आप बेचोगे तब हर जगह पे अच्छे समाचार होंगे, जब आप लोगे तब रोज लोग बुरी बातें करेंगे, ये लोग लेने ले देंगे आपको माल और ये लोग बेचने नहीं देंगे आपको माल, अपने को फॉल में स्टॉक रिच रहना है, माल ले ले, उसी प्रकार से रैली ने कैश लेना है, गिरे तब मेरे पास कैश खाली नहीं हो सकती, हमेशा रैली आने से पहले माल चाहिए, स्टॉक चाहिए, जब रैली चल रही हो तब कैश चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए कैश, राइट? कहीं कहीं थोड़ा बुक करके कैश आता जाएगा। सो दिस वॉज सिंपल,
वंस इट गिव ब्रेकआउट, सबसे पहले जब ब्रेकआउट देगा उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी चेंज है। ब्रेकआउट आपके लिए थर्ड मौका है लेने का, तीसरा मौका लेट है, बहुत लेट है। मेमा में नहीं लिया, रिट्रेसमेंट में नहीं लिया, बीओटी में नहीं लिया, बीओटी के बाद ऐसा ट्रेडर रिमोर्स आएगा तब नहीं लिया, अभी आप इधर ले रहे, चलो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद आपको रैली मिलेगी तब अच्छा कमाएंगे। तो ये तीसरा मौका आपका ब्रेकआउट पे है, जो ये आखिरी मौका है। फिर आपको मौके लेने के नहीं मिलते हैं, फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग अपन किधर करते हैं, हम पहला प्रॉफिट बुकिंग ये जहां कहीं यहाँ बुलिश एंगल स्विंग बनेगी पहली महीने की बड़ी तगड़ी, इधर करेंगे। इधर मतलब इसके टारगेट पे करेंगे, जो करीबन यहाँ से 80% अप होंगे, राइट। तो ये अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ 5-1% कैश इकट्ठा करने का। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग अपन एक्सटेंशन पे करेंगे, ये मुथूट गिनेंगे ना इधर से इधर का एक्सटेंशन कितना बनता है, जो होगा 3-1 गुना शायद हो सकता है, 3 times के आसपास। उधर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कितना सिंपल स्ट्रेटेजी, गिरावट में माल आ रहा है और रैली में कैश आता जा रहा है, और क्या चीज, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं बाजार में, सिंपल एकदम, राइट फ्रेंड्स। सो ये भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है दोस्तों, इन सारी चीजों को फंडामेंटल के साथ कनेक्ट कीजिए। और अब अगले भी क्या करेंगे, अभी क्या करने का टाइम आया है, बोलो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे ना अपना, कि नहीं बनाना है, एकदम मस्त पोर्टफोलियो बनाना है दोस्तों। यू कैन राइट इट डाउन इन योर डायरी, क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो एंड देन कंपेयर योर पोर्टफोलियो रिटर्न विद किंग्स ऑफ योर कंट्री। आप उनसे कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत अंडर परफॉर्म करोगे, बिल्कुल नहीं। वो सब लोग जो अच्छे रिटर्न देते हैं वो भी बड़े सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड लोग नहीं है। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनके रिटर्न भी अच्छे नहीं होते, राइट, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस में से ही ऊपर नहीं आते, रोज उनकी कहानियां बदलती, सिंपल रहेंगे। डेफिनेटली लिख लो, मैंने कहा मतलब कि आप डायरी में लिखो कि मैं अपने आप को किससे कम्पीट करूंगा, टॉप के लोगों से, और आपको लगेगा आज से 4 साल 5 साल 10 साल बाद कि यस, आप बड़ी जो शार्क है उनके साथ ही तैर रहे हैं। आप अपने आप को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो सीखा है जो बड़े काम की चीजें है, जो लोगों को अनुभव से भी सीखने को नहीं मिलता है। मैं 15 साल बाजार में रहा, पर हो सकता है मैंने उस एक्सपीरियंस से डेटा एनालिटिक्स नहीं किया, राइट, खाली मैंने मौसम को महसूस किया, ऐसे बाजार को महसूस किया, पर उसका एनालिसिस नहीं। एनालिसिस करके आपने 15 साल किए बगैर 15 साल का अनुभव ले लिया, 20 साल का अनुभव ले लिया, आपने 20 साल के सब कंपनी के फंडामेंटल देखे, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेस्ट थिंग। नेक्स्ट वीक, अब आने वाले 2 वीक हम दोस्तों हम सब लोग मिलकर अपने आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, राइट, और ये पोर्टफोलियो को हम आने वाले समय ट्रैक करेंगे। रेडी हो दोस्तों पोर्टफोलियो बनाने के लिए, राइट, क्योंकि हम सीखे ही पोर्टफोलियो के लिए, बराबर ना। सो लेट अस क्रिएट अवर ओन पोर्टफोलियो, आई विल अपलोड सम ऑफ द वीडियोस नेक्स्ट वीक, और मुझे उम्मीद है ये करेक्शन के पूरे समय में, पूरे 4 महीने आपके बाजार करेक्शन में ही रहा, ऐसे समय पे आपको अच्छे मौके मिले होंगे अच्छी अच्छी कंपनियां इकट्ठा करने की, यही समय है दोस्तों अच्छा कमाने, राइट, ये आपको बहुत काम लगेगा। बाजार को 20,000 25,000 30,000 सब जगह आना, राइट, जब 3-4 हजार था हमको किसी ने नहीं कहा था 10,000 आएगा, हम तो 3,000 4,000 देखने में डरते थे, बराबर कि नहीं, पर यस एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि ये शेयर या ये इंडेक्स किधर आएगा, बराबर। सो जब वहां पे आएगा तो खुशी होगी। इट वॉज वंडरफुल डिस्कसिंग विथ एवरीबडी, नया साल आने वाला है, नए साल की तैयारी रखिएगा। क्या कहिए सर, अमरजीत सर कहिए क्या, एक मिनट खोलेंगे सर, जो अपने एक ही मिनट कंपनीज की लिस्ट खोली थी सर अभी, उसमें लास्ट में एक देर कहा जी, अच्छा ये रहा ना चार्ट ट्रैक था, हां जी ओके ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसमें ये सर एक मिनट है, ये आपका पोर्टफोलियो है सर, ये जो है, हां जी सर बराबर है, पर ये मेरे को लगता है एक बार हमने डिस्कस किया था ना, नहीं नहीं वो नहीं है सर, नया बनाया अभी, इसके नीचे सारे चार्ट्स हैं। अच्छा ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत अच्छा गुड। इसमें सर जो क्वेश्चन है मेरा एक थोड़ा नीचे चलेंगे, हाँ जी ये एफएल का चार्ट लेते हैं सर, बड़ा कर लेंगे सर इसको, तो हाँ ये जो दिख रहे हैं आपको वैसे, हाँ जी हाँ जी मेरे को दिखाई दे, इसमें जो हम एक्सटेंशन बनाते हैं सर वो जो लेटेस्ट हाई है उससे लेंगे या जो हाईएस्ट हाई है पहले भी हुआ उसमें लेंगे, राइट सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हाईएस्ट हाई, हाँ जी राइट, और ये जो लो है आपने बिल्कुल सही किया है, हाई टू लो, ओके राइट, यही करना है जो आपने किया है, बराबर। पर अभी क्या है ना सर, अभी आपको वैसे ही एक्सटेंशन काम नहीं लगेगा क्योंकि अभी ये करेक्शन मोड में ही है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अभी ये अपना बिहेवियर क्या बता रहा है, अभी मैं करेक्शन पे हूँ, करेक्शन जैसे ही खत्म होकर ब्रेकआउट देगा ना फिर आपको ये सब टारगेट काम करेगा, बराबर ना सर। अभी क्या करो सर, ये बुलिश एंगल जो यहाँ बनी है ना उसका R3 एक देखो ताकि आपको एक नियर टर्म की टारगेट मिल जाए, ओके इधर कहीं होगा शायद, ठीक है बराबर सर, ठीक है।
अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, वो समझ नहीं आ सकते। देखो टाइम फ्रेम क्या है सर, वैसे असल में टाइम फ्रेम डिपेंड करती है वो समय के ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पे। पर हम जानते हैं कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ खुद के बिहेवियर पे डिपेंड होते हैं, जैसा इनका पहले बिहेवियर होता है। अभी जब ये रैली आएगी, पहले कितनी आई थी सर, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज, हम इसके करीबन सिमिलर रैली उम्मीद करेंगे। अच्छा राइट, करीबन जैसे मेरे को दिख रहा है ये 13-14 महीने की शायद है, 12-13 महीने ऐसा कुछ होगा, है ना। तो जब भी ये चलेगा, ये इतना तो चलेगा, मतलब पहले दूसरे महीने हमको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले की तरह एक अच्छा सा आपको टाइम मिलेगा और अच्छे से आपको प्राइस रेंज मिलेगी, राइट। तो एक ये तरीका हुआ पास्ट बिहेवियर से जाने, और दूसरा क्या तरीका है सर, कि ये कितना समय करेक्शन में रहा उसका 1-1.5x गेन लेने का। अच्छा, तो इस केस में करेक्शन लेंगे सर हम 2000 जो यहां से फिर भी जो प्रेजेंट इसका है उसके बेसिस के ऊपर एटलीस्ट हमें कुछ लेवल तो मिल गया जो लॉन्ग टर्म टारगेट है। बराबर है सर, मिल गया ना, ये जो आपका जो टारगेट है ये आपके पास एक डायरी में नोट हो जाना चाहिए। चलो अभी मेरे को 2573 का ही मेरे माइंड में टारगेट है, उधर तक तो इसको आना है, बराबर ना, वो मिल जाता है। पर सर हमें ये नहीं पता रहता है ये कितना लंबा करेक्शन में रहेगा, और वो टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकता है, बट ये जो इसकी जो कैलकुलेशन है एक्सटेंशन की वो परफेक्ट है। हाँ, वो सेम रहेगी। ठीक सर, ठीक राइट, ठीक है सर, या ओके, थैंक यू सर, या थैंक यू। सो इट वॉज वंडरफुल डिस्कसिंग विद एवरीवन। अब क्या करेंगे, अब वापस से अगले हफ्ते से अपन नेक्स्ट 2 वीक पोर्टफोलियो के ऊपर काम करने वाले। तो थोड़ा देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपन सबने मिलकर 4 महीना मेहनत क्यों किया है, इसीलिए तो मेहनत किया है। ये 4 महीने में कितनी आपकी शादी आई होगी ना, कितने बिजी हो गए आप लोग, बट स्टिल आपने कमिटमेंट दिखाया अपना, तो ये कमिटमेंट पोर्टफोलियो में ही काम लगना चाहिए, राइट। अल्टीमेटली हम सबको पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे हम सब लोग पढ़ाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटली हम सबको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, तो कैरियर इज अवर फोकस। तो स्टॉक मार्केट में सब चीज एक बाजू, पर ये सब करके क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बनाए, ये सब हम पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट 2 वीक थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते अगेन। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी। जय हिंद।